वेलकम बैक टू फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखिएगा गिवन क्या है, हमने इनको अनफोल्ड करना है। अगर मैं इसको अनफोल्ड करूँगा तो मेरी तीन डॉट जो है मुझे एज इट इज़ यहाँ पे दिखाई देंगी, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बनता है फोर्थ वन। नेक्स्ट बच्चों, अगर इसको मैं अनफोल्ड करता हूँ तो एज इट इज़ सेम स्ट्रक्चर मुझे जो है यहाँ पे दिखाई देगा ऐसे कुछ, राइट। और सेम एक ट्रेंगल भी मुझे यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है जी। और सेम इसका टू टाइम जो है यहाँ यहाँ पे बन पाएगा, दैट मीन्स देर विल बी देर इज़ एन गैट गैप ओवर देर। यहाँ पे ये वाला गैप नहीं होगा तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर ये रहेगा। ये दो तो आप पहले ही क्रॉस आउट कर दीजिएगा, तो ऑप्शन इज सेकेंड। नेक्स्ट है बच्चों, देखिएगा अगर ये यहाँ पे डॉट है तो ये अगर उधर जाता तो ये टू टाइम हो पाएगा, राइट। ये इधर जाता तो ये यहाँ पे हो पाएगा और सेम एक यहाँ पे बन पाएगा जब आप इसको अनफोल्ड करोगे। तो ठीक है बच्चों, तो ये जो है थोड़ा छोटा है, ये एग्जैक्ट बन पाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर थर्ड। ये दो ऑप्शन तो आपके आंसर बन ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये है तो एक सर्कल यहाँ पे होगा, एक सर्कल जो है यहाँ पे आएगा अनफोल्ड करने के बाद, तो ऑप्शन रहेगा आपका सेकेंड वन। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ये जो है एक सेंट्रल रीजन रहने वाला है, जो कि यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इस एरिया में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स कि बच्चों ये एरिया नहीं बन सकता, ये एरिया आंसर नहीं बन सकता, तो दो आंसर मेरे पास बन सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पे ओपन करने के बारे में, तो एक डॉट यहाँ पे होगा, एक डॉट जो है मेरा यहाँ पे होगा, तो चार डॉट जो है मुझे यहाँ पे मिल पाएंगे। सेम बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एक डॉट बच्चों मुझे यहाँ पे मिल पाएगा एग्जैक्ट, राइट, ड्यू टू दिस डॉट। और इसको अनफोल्ड करता हूँ तो एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे भी मेरा जो है एग्जैक्टली मुझे ईजिली जो है मिल पाएगा। तो इन शॉर्ट बच्चों, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो बच्चों मेरे पास जो डॉट्स होंगे, जो मेरे पास डॉट होंगे वो फोर फोर वाले मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या रह जाएगा मेरे पास यहाँ पे, सेकेंड वन।